दोस्तों नमस्कार, न्यूज 524 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। दोस्तों, अयोध्या जिले के गोसाईगंज रेलवे स्टेशन का कायाकल्प काफ़ी तेजी से शुरू हो गया है। यहां एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म तक जाने के लिए ओवरब्रिज का निर्माण काफ़ी तेजी से चल रहा है। ब्रिज का ढांचा बन चुका है, केवल कुछ कार्य और शेष हैं जिसे जल्द ही पूरा करने के लिए कार्यदायी कंपनियों के इंजीनियर लग गए हैं। शनिवार शाम करीब 3 बजे न्यूज 524 ने गोसाईगंज रेलवे स्टेशन पर हो रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज निर्माण काफ़ी तेजी से चल रहा था। ब्रिज का निर्माण करा रहे इंजीनियर ने बताया कि ब्रिज का निर्माण जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बताया गया कि जो ब्रिज बनाया जा रहा है उससे पहले प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आसानी से यात्री आ जा सकेंगे। बता दें कि इस प्लेटफार्म का निर्माण 25 करोड़ की लागत से किया जाना है, जिसके तहत पुराना भवन गिराकर राम मंदिर के आकार का नया भवन बनाया जाएगा। साथ ही अतिरिक्त लाइनों का निर्माण, 3 प्लेटफार्म, ब्रिज व अन्य नागरिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस रेलवे स्टेशन पर अभी तक 2 ही प्लेटफार्म थे, अब 3रे प्लेटफार्म का निर्माण कराया जा रहा है। नई पानी की टंकी का निर्माण, 3ों प्लेटफार्म पर पाइपलाइन का जाल बिछाया जाएगा। इसके अलावा रेलवे की पुरानी आवासीय कॉलोनियों को गिराकर नई कॉलोनियां विकसित की जाएंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह अयोध्या जिले का गोसाईगंज रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प 25 करोड़ की लागत से होना है और कार्य तेजी से शुरू हो गया है। इस रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त लाइनें का निर्माण हो गया है, 2 प्लेटफार्म यहां पर बन चुके हैं और 3रे प्लेटफार्म का निर्माण किया जाना है। यहां पर बिजली से चलने वाली लाइनों का निर्माण भी हो गया है। जहां पर कुछ कार्य अधूरा है उस कार्य को भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इस प्लेटफार्म पर बिजली से चलने वाली ट्रेनें का शुभारंभ हो गया है और ट्रेनें चल रही हैं।